हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गार्डनिंग इज इजी में। ये देखिए दोस्तों, ये क्राइसेंथेमम का पौधा है जो जिसे हम गुलदाउदी भी कहते हैं। ये विंटर का सबसे सुंदर फूल देता है दोस्तों, तो इसको लगाना सभी को लगाना चाहिए। और ये सबका फेवरेट फ्लावर भी होता है, कई कलर में होता है। तो मैंने इसका कटिंग से कैसे ग्रो करना है वो वीडियो दिखाया था। इस वीडियो के बीच में मैं वो भी दिखा दूंगा कि कैसे मैं वो रिपोर्टिंग किया हूँ, जो छोटे छोटे पौधे तैयार हुए थे उसको मैं रिपोर्टिंग किया हूँ। और ये मेरा कुछ पौधे हैं वो बड़े हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मैंने इसको ये ब्लैक नर्सरी वाले पॉलीथीन में लगा दिया था। तो इसको अभी हम पॉट चेंज करेंगे। पॉट एक्चुअली करना ही चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये पेड़ का ये जो पौधे का साइज़ देखिए बड़ा हो चुका है। तो ये 4 इंच 3 इंच के प्लास्टिक बैग में है, तो हम इसे लगभग 6 इंच तक का पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, ताकि इसको बढ़ने का थोड़ा मौका मिले। और उसके बाद कुछ दिन बाद इस पॉट में 15 दिन तक रहेगा, 15 से 20 दिन तक रहेगा। उसके बाद हम इसे फिर 10 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट कर देंगे, और वो फाइनल पॉटिंग रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम और कोई पॉटिंग नहीं करेंगे। एक और चीज़ है, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए, ये प्लांट जो है बड़े होने का कारण यही है कि देखिए, मैं हर जो डाल है मैं उसको पिंचिंग कर दिया हूँ। और पिंचिंग करने का सबसे जो सही तरीका, मैं वो भी बाद में दिखाऊंगा। जैसे यहीं पे हम देख सकते हैं, ये जो आगे का पत्ता है नया निकल रहा है, सिर्फ इसको आपको ऐसे तोड़ देना है, ऐसे यहाँ से तोड़ देना है, बहुत कुछ नहीं तोड़ना है। तो क्या है, यहाँ से नए नए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नए दो ब्रांच निकले हैं। ये दो ब्रांच जब बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर से इसको पिंचिंग कर दूंगा। तो ये लगभग नवंबर तक हम पिंचिंग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना है। नवंबर 15 तक हम पिंचिंग करेंगे, उसके बाद पिंचिंग नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद फूल आने का टाइम हो जाता है, कलियाँ आने लगते हैं। तो मैं फटाफट दिखाता हूँ कि इसको हमें कैसे मिट्टी में लगाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी तैयार किया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिट्टी है प्लेन मिट्टी, जो गार्डन सॉइल है उस 50% में इसमें रेत मिलाया हूँ। रेत मतलब बालू। ये बहुत ही मतलब वेल ड्रेन, और देख सकते हैं ये भुरभुरा मिट्टी बन चुका है। तो ऐसे ही मिट्टी बनाना है। उसमें मैंने क्या किया है, क्योंकि ये मिट्टी हमें लाइट वेट भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जो व्हाइट वेट थोड़ा दिख रहे हैं, ये मैं सिंडर मिलाया हूँ। 50% करीब मैं सिंडर मिलाया हूँ, और इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाया हूँ, और हड्डियों का चूरा मिलाया हूँ, और थोड़ा सा जो नीम केक पाउडर मिलाया हूँ, सिर्फ इतना मिलाया हूँ। और इसको मैंने ड्राई कर दिया था लगभग 7 दिन तक। ड्राई करने के बाद मैं अभी इसमें पॉटिंग करूँगा। तो ये है एक बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स, जो विंटर फ्लावर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये पॉटिंग मिक्स है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम इस जो गुलदाउदी का पौधा है इसको हम गमले में कैसे लगाएंगे। तो अभी मैं ये 8 इंच का एक गमला लिया हूँ, ये देख सकते हैं। इसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए, ये गलती आप मत कीजिए कभी भी। तो ये ड्रेनेज होल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे जैसे हम करते हैं, ये टूटा हुआ जो गमले का टुकड़ा है इसके नीचे में दे देना है, नीचे में, ताकि पानी जो है वो निकलता रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा 50% करीब इसमें ये जो हमने मिट्टी प्रिपेयर किया है ये डाल देना है। तो मैं ये डाल दिया हूँ। उसके बाद क्या करना है, पौधे को लेना है, आप चाहे तो इसको पॉलीथीन को काट के भी निकाल सकते हैं, हालांकि ऐसे उल्टा करके इसको खींचने से भी निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको पानी में भिगो दिया था, और ये सेम मीडिया में ही लगाया हुआ था। देख सकते हैं आप, इसके रूट जो है रूट बाउंड होने लगा था, तो इसको बड़े बड़े पॉट की सख्त ज़रूरत था, और करना भी है हमें। तो बहुत ज़्यादा अगर फूल पाना है तो यही जो ट्रिक्स है वो फॉलो करना है। और मैं इसके आगे भी और भी बहुत कुछ बातें हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए, एंड तक देखिए। तो ऐसे सीधा करके प्लांट को बैठा देना है, और उसके बाद ये बाकी जो स्पेस, बाकी जो जगह में ये हम यही पॉटिंग मीडिया को डाल देंगे। डालने के बाद हम ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे, ऊपर से दबा देंगे,
और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें पूरा जो है गमले को नहीं भरना है, थोड़ा सा ऐसे जगह खाली रखना है, जगह खाली रखना है। उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ ध्यान देना है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये जो ब्रांच निकला है, इस ब्रांच में देखिए ये नीचे में कोई भी पत्ते नहीं हैं। तो अगर इस ब्रांच को देखेंगे तो इसमें पत्ते हैं, तो हमें ये पत्ते को हटा देना है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके जो पत्ते हैं, आप एक पेड़ और दिखाता हूँ मैं, इसमें देखिए ये जो नीचे का जो पत्ते हैं, ये यहाँ से हालांकि ब्रांच निकल रहा है पर हम इस ब्रांच को नहीं रखेंगे। मतलब जो पॉटिंग मीडिया है वहाँ से 2 इंच के आसपास तक का हम जो है पत्ते नहीं रखेंगे, मतलब कोई ब्रांच नहीं लेंगे। क्योंकि होता यह है कि ये जितने जो पुराने ब्रांच है ये लगभग 1 से 1.5 महीना 2 महीना तक के आसपास रहता है, उसके बाद जो पत्ते जो है ख़राब होने लगते हैं। तो ये जो पुराने पत्ते हैं इसको हटा देना है, तो ये आपको याद रखना है, यही करना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये पूरा जितना मेरे पास जो प्लांट है मैं इसको ट्रांसप्लांट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है वो 15 दिन के बाद का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ। मैं जो ये गुलदाउदी लगाया था, कटिंग लगाया था, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, मैं एक दो निकाला हूँ, ये देखिए कितना अच्छा रूट हुआ है, रूटिंग हुआ है। ये इसको सिर्फ कुछ नहीं, एक बड़े से पॉट में ट्रांसप्लांट कर देना है। पहले 3 इंच के पॉट में करना है, 3 से 4 इंच के पॉट में करना है, उसके बाद इसको बड़े से पॉट 8 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर देना है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको कि इसका रूट कैसे हुआ है। मैं यहाँ से एक निकाल रहा हूँ, ये देखिए कैसा रूटिंग हुआ है। तो इसको सिर्फ हम लोग लगा देंगे, उसके बाद जो है फिर हम आगे का क्या क्या करना रहेगा वो सब मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैंने ये जो 6-8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया हूँ, ट्रांसप्लांट कर दिया हूँ, सारे प्लांट को ही ट्रांसप्लांट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं प्लांट का साइज बहुत अच्छा है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी देते रहना है, जो इसका जो मिट्टी है इसको मॉइस्ट करके रखना है, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना है लेकिन मॉइस्ट रखना है। और इसको हमें धूप में रखना है दोस्तों, धूप में रखना है। जैसे ही हम धूप में रखेंगे तो प्लांट बड़ा होता रहेगा। और आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये प्लांट का कलर देखिए और ये प्लांट का कलर देखिए। ये एक चीज़ है, इसका तो वैरायटी के वजह से भी है और कुछ न्यूट्रिशन की कमी के वजह से है, जो क्योंकि हम उसको छोटे से पॉट में रखे थे, अभी जैसे ही हम बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो इसमें न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा और प्लांट सही हो जाएगा। तो इसमें अभी क्या करना है दोस्तों, हफ्ते में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। दूसरा है कि इसमें जो मस्टर्ड केक पाउडर का जो पानी है, घोल हम बनाते हैं, उसका भी ज़रूर देना है, हफ्ते में एक दिन ज़रूर देना है। ध्यान रखिए उसको कभी भी, जो लिक्विड हम डालते हैं उसको कभी भी मिट्टी में देना है, कभी भी फोलिएज के ऊपर देना नहीं है। जो सरसों के जो खली का जो पानी रहता है, हम अगर पत्ते में डाल देंगे तो पत्ते सब गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो ये कभी भी ध्यान में रखिए, कभी भी पत्ते के ऊपर मत डालिए। एक और काम आप कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन आप इसमें कोई भी एक बैलेंस एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, और आप फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं और आप रूट में भी दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका जो क्रिसेंथेमम का प्लांट है वो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा और आप एक बहुत अच्छा गार्डनिंग कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं। और पिंचिंग का तो मैं बोल ही दिया था, पिंचिंग रेगुलरली करते रहना है, जैसे नए नए ब्रांच आने लगेंगे, नए ब्रांच जब बड़े हो जाएंगे तो आप उसमें पिंचिंग करते रहिए। तो आप आगे जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं दिखाता रहूँगा कि क्रिसेंथेमम का प्लांट में कैसे फूल लाना है और कैसे ज़्यादा फूल लाना है, उसके ऊपर मैं लगातार वीडियो देता रहूँगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।